हेलो गाइस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन क्लासीफिकेशन बायो मॉलिक्यूल्स का कर लिया था इस वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे इस वीडियो में हम केमिकल नेचर करेंगे बायोलॉजिकल रोल्स करेंगे और क्लासीफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेंगे और इसी में हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी देख लेंगे तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तो अब आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द नेचर कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है द सर्व अज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आल्सो सप्लाई कार्बन रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है मतलब अगर हमारे पास हमारी बॉडी में अगर लिपिड्स प्रेजेंट हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज़ करेगी इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को प्राइमरी सोर्स कहते हैं एंड आल्सो कार्बन रिक्वायरमेंट और कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी की कार्बन नीड को फुलफ़िल करते हैं नेक्स्ट हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट इज़ कंप्राइज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना है इसका हमें रेशो दे रखा है वन इज टू टू इज टू वन मतलब इसमें वन रेशो जो है कार्बन प्रेजेंट होगा टू रेशो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और वन रेशो जो है हमारा ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं फार्मूला हमारा है सी एन एच टू एन ओ एन मतलब ये हमारा मेन फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कभी कभी टू मार्क्स में पूछ लेता कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला तो यही हमारा जो ये है ये इसकी कंडेंस फॉर्म है मेनली आप इसे इजीली याद कर सकते हैं सी एन एच टू एन ओ एन मतलब यहाँ कार्बन के एन मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के टू एन हैं और ऑक्सीजन के हमारे एन मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है एन में बी वेरी बिटवीन थ्री टू एट एन जो है हमारा तीन से आठ के बीच में वेरी कर सकता है ये चार भी हो सकता है पाँच भी हो सकता है छः भी हो सकता है या आठ भी हो सकता है ये हमारा वेरी करता रहेगा एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज मतलब ये नॉर्मल ग्लूकोज है नॉर्मल ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व एंड ओ सिक्स ये हमारा नॉर्मल ग्लूकोज का फॉर्मूला है नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज सैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स को सैक्राइड्स भी कहा जाता है बिकॉज इट्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैक्रॉन मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है सैक्रॉन से उसका मतलब होता है शुगर हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं सबसे ईजी तीन वर्ड की डिफाइन है चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बस आपको इतना याद करना है कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन चलिए इसका मतलब समझते हैं सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या फिर जो सब्सटेंस इसे मतलब जो भी सब्सटेंस इसे बनाते हैं मतलब जो भी सब्स्टांस हाइड्रोलिसिस करके या वाटर के साथ रिएक्ट करके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे उन सबस्टांस को भी हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं द टर्म पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मीन्स दे हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वन कार्बोनाइ ग्रुप अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या है चलिए इसका मतलब देख लेते हैं इसमें क्या पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे उसमें प्रेजेंट होंगे और एक हमारा कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा अब कार्बोनाइल प्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या है कार्बोनाइल ग्रुप कौन से होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कोई भी अगर कंपाउंड होगा कोई भी अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये कभी कभी टू मार्क्स में पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट आर अवेलेबल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्स हैं मतलब वो प्लांट से भी एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं या कार एनिमल से भी एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हर जगह अवेलेबल है जैसे कि हमने ऊपर सम पढ़ा था कि ये जो है मोस्ट अबंडेंट है ये मतलब हर जगह प्रेजेंट होगा नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट चलिए कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हमने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन तीन बेसिस पे करी है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ शुगर यूनिट्स मतलब कितनी शुगर यूनिट्स उसमें प्रेजेंट हैं चलिए सबसे पहले एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं फर्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को दो क्लासेस में डिवाइड करा है फर्स्ट है हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं दीज आर नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स फाउंड इन द फ्रूट्स टेबल शुगर एक्सेट्रा मतलब ये वो शुगर है जो कि हमारी नेचुरली प्रेजेंट होती है और ये मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है ठीक है इसमें हमारा आ जाता है फ्रक्टोज ठीक है और सुक्रोज जो भी शुगर या जो भी कार्बोहाइड्रेट ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और नेचर में नेचुरली प्रेजेंट हो उसमें ह्यूमन का कोई भी हाथ ना हो सिंथे, सिंथेसिस में वो नेचर में अपने आप प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स सेकेंड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दीज आर शुगर्स कॉमनली ओकर इन ग्रेन्स प्रोडक्ट्स पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल्स लाइक स्ट्राच मतलब ये जो है ये भी हमारा नेचुरली प्रेजेंट होता है बट इसका जो स्ट्रक्चर है जैसे कि मैंने यहाँ बताया था इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है और ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है ये शुगर्स बट ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये ईजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाती है इसका एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है स्टार्च जो कि हमारे राइस में प्रेजेंट होती है पोटैटो में भी प्रेजेंट होती है सेकेंड क्लासिफिकेशन आती है हमारी बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट को दो क्लासेस में डिवाइड करा है पहला आता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर्स और सेकेंड है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर अब रिड्यूसिंग शुगर sugar वो शुगर्स होती हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करती हैं इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज माल्टोज असेक्ट्रा और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जो कि रिड्यूसिंग शुगर्स की तरह मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करती इसमें आ जाता है हमारा सुक्रोज ग्लाइकोजन एंड इनुलिन नेक्स्ट हमारा आता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट मतलब शुगर यूनिट के बेस पे कितनी शुगर यूनिट प्रेजेंट है उस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसमें है हमारा मोनोसाइक्राइड्स इस सेकेंड है हमारा डाईसाइक्राइड्स और थर्ड है हमारा ओलिकोसेक्राइड और फोर्थ है हमारा पोलिसक्राइड्स तो चलिए देख लेते हैं मोनोसेक्राइट्स क्या होता है मोनोसेक्राइट्स ब्रेक इस वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे हम मोनो मोनो मतलब होता है वन और सैक्रोन का अभी पीछे हमने मीनिंग बताया था शुगर तो मोनो शुगर मतलब वन शुगर यूनिट प्रेजेंट है इसमें जिसमें वन शुगर यूनिट प्रेजेंट है वो होता है हमारा मोनोसेक्राइड्स इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज ठीक है ग्लूकोज जो है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो सिंपलेस्ट शुगर होता है नेक्स्ट हमारा आता है डाई सेक्राइड्स में क्या होता है जैसे कि इसमें हमने ब्रेक करके देखा था इसमें डाई डाई मतलब होता है कि दो और सैक्राइट्स मतलब होता है शुगर यूनिट मतलब इसमें दो शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है टू शुगर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट दो शुगर के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है उसे हम डाई कहेंगे इसका एग्ज़ाम्पल में आ जाता है हमारा सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज थर्ड है हमारा ओलीगो कई बार हमने ये देखा है कि इस डाई सेक्राइट्स को ओलीगो सेक्राइट्स में ही प्रेजेंट होता है मतलब उसी को हम इसमें कर लेते हैं चलिए देखते हैं कैसे इसमें ओलीगो सेक्राइट्स में क्या होता है दो या दो से दस यूनिट तक मतलब जिस जो भी कार्बोहाइड्रेट में दो से दस शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कर देते हैं उन्हें हम इस क्लासेस क्लास में रखते हैं ओलीगोसेक्राइड्स मतलब कभी कभार हमारा ये जो हमने कई बार कई जगह आप देखेंगे कि मोनोसक्राइड होता है ओलीगोसेक्राइड होता है और पोलीसक्राइड होता है वो जो होता है हमारा डाई को ओलिगो में ही मिक्स कर देते हैं इसमें हमारा होता है दो से ज़्यादा और दस से कम मतलब दो और दस के बीच में शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होंगी उसको हम कहेंगे ओलीगोसैक्राइड्स इसका एग्जांपल हमारा रेफिनोज एंड स्टेकिनोज लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में क्या होता है हमारा टेन और मोर शुगर यूनिट्स प्रेजेंट्स मतलब दो या दो से ज़्यादा शुगर यूनिट्स जो हैं या शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उस शुगर को या उस कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड इसका एग्जाम्पल है हमारा स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेल्युलज स्टार्च जो हमारे प्लांट में मिलते हैं ग्लाइकोजन हमारे ह्यूमन बॉडी में मिलती हैं और सेलुलोज जो है वो भी हमारा प्लांट से मिलता है तो इसी के साथ हमने ये क्लासिफिकेशन कर लिए चलिए इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल्स में कर लेते हैं सबसे पहले आता है हमारा मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड्स क्या होता है दे कंसिस्ट सिंगल पोलीहाइड्रोक्सी एल्डीहाइड और कीटोन यूनिट मतलब इसमें एक ही सिंगल सिंगल मतलब एक ही पोलीहाइड्रोक्सी एलडीहाइड या कीटोन यूनिट होगी मतलब आप इजली सरल भाषा में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है मोनोसेक्राइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू फैमिलीज़ मोनोसेक्राइड्स को दो फैमिलीज के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट होता है हमारा एल्डोज और सेकेंड होता हमारा कीटोज एल्डोज एल्डो शुगर इसको एल्डो शुगर भी कहते हैं इसका एग्जाम्पल हमारा ग्लिसरल और कीटोज़ इसको हम कीटो शुगर कहते हैं इसका एग्ज़ाम्पल है हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोल ये ये हमारा एग्ज़ाम्पल है ये देखते हैं इसमें कैसे क्लासीफाई करा गया है एल्डोज़ और कीटोज़ में अगर हमारा जैसे ये शुगर यूनिट है इसमें अगर एल ये जो ग्रुप है हमारा एल का ग्रुप है अगर एल हमारा जैसे हमारा कार्बोनाइल ग्रुप अगर ये जो है हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप है अगर ये एंड पे लगा होगा चाहे इस एंड पे हो या इस एंड पे हो तो हम उसको एज अ डी काउंट करते हैं और अगर ये कार्बोनिल ग्रुप अगर सेंटर में लगा होगा तो इसे हम कीटो ग्रुप काउंट करते हैं तो अगर हमारा ये एल्डीहाइड है क्योंकि ये टर्मिनल एंड्स पर प्रजेंट है तो हम इसको एल्डो एल्डो शुगर कहेंगे जिसका एग्जांपल हमें इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड इसी तरीके से अगर हमारा ये कार्बोनइल ग्रुप सेंटर पे प्रेजेंट है एंड्स के अलावा वो बीच में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है अगर वो सेकंड नंबर पे प्रेजेंट हो तो इसे हम कीटो शुगर कहेंगे अब कीटो शुगर में इसका स्पेसिफिक नेम है डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन तो इसी तरीके से हमने मोनोसाक्राइट्स को भी दो क्लासेस में डिवाइड करा था पहला हमारा एल्डोज और दूसरा हमारा कीटोज तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे इसमें यही लिखा हुआ है अगर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है अगर एंड्स पे प्रेजेंट होगा तो हम उसे एल्डिहाइड या एल्डोज शुगर कहेंगे अगर ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है अगर ये अदर देन एंड पोजिशन मतलब अगर, ये अगर एंड पे नहीं होगा एंड के अलावा वो कहीं भी हो सकता है तो उसे हम कीटो ग्रुप कहेंगे जिसकी वजह से उस शुगर को हमारा नाम हो जाता है कीटोज़ हमारा आता है द मोनोसेक्राइड्स आर सब क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर बैकबोन मतलब कार्बन एटम के बेस पे हमने मोनोसेक्राइड को दोबारा हमने आगे क्लासीफाई कर दिया है अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा ये मोनोज होगा दो कार्बन प्रेजेंट है तो ये हमारा डाइज होगा तीन कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा ट्राइओज होगा फोर कार्बन प्रेजेंट है तो हमारा टेट्रोज होगा पाँच है तो पेंटोस छः है तो हेक्सोज, ऐसे ऐसे करके हमारा ये इसको क्लासीफाई करा गया अज जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिक्स कार्बन कार्बन शुगर एल्डो हेक्सोज डी ग्लूकोज एंड हेक्सोज डी फ्रक्टोज आर मोस्ट इन मोनोसेक्राइट्स मतलब ये जो हमारा एल्डो एल्डोहेक्गजोज है या हमारा कीटो कीटोहेगजोज है सिक्स कार्बन शुगर्स जो हैं ये वाली हमारी जो है ये एल्डो एल्डोहेक्गजोज और कीटो कीटोहेक्जोज जिसको हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ के नाम से भी जानते हैं ये हमारा जो है मोस्ट अबंडेंट मोनोसैक्राइट्स है ये हमारा जो है मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइट्स है जो कि सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाता है इसका एग्ज़ाम्पल हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा फ्रक्टोज है जिसको हम एल्डो एक्जोस और कीटो एक्जोस कह रहे थे नेक्स्ट हमारा आता है मोनोसैक्राइड इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट हमारा आता है ओलीगोसेक्राइड्स ओलीगोसेक्राइड्स क्या आता है हमारा अ नंबर अ कार्बन कार्बोहाइड्रेट दैट आर हाइड्रोलाइजेबल टू 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 टेन मोनोसेक्राइड्स मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड ओलीगोसेक्राइड्स मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स uh, जो मॉलीक्यूल्स हैं उसमें दो या दो से लेकर दस तक शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है तो उसे हम ओलीगोसेक्राइट्स कहते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ओलीगो हमने ओलीगो को भी फर्दर क्लासीफाई करा गया है जैसे हमने मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करा था नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बेस पे इसी तरीके से हमने ओलीगो को भी हमने नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के बेस पे हमने क्लासीफाई करा गया है तो इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है डाई जिसमें दो शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं दो सिंपल शुगर यूनिट्स प्रेजेंट हैं और जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक है एक दूसरे से मतलब दो शुगर यूनिट जैसे ग्लूकोज़ और ग्लैक्ट ग्लूकोज़ और ग्लेक्टोज है हमारा ये जो है इन दोनों में हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है और इसके वजह से हमारा जो हमारा कंबाइन हो जाता है और ये हमारा बनाता है लैक्टोज इससे एग्ज़ाम्पल में हमारा इसमें क्या होता है सबसे पहले दो हमारे शुगर यूनिट्स अटैच होती हैं उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बॉन्ड बनने के बाद हमारा जो है एक मॉलिक्यूल जो है वाटर रिलीज़ हो जाता है वन मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होने के बाद जो है हमारा लैक्टोज बन जाएगा मतलब कोई भी दो यूनिट अगर कंबाइन होंगी तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा इसी तरीके से इस एग्ज़ाम्पल में हमारा आ जाता है डाई के लैक्टोज माल्टोज एंड सुक्रोज लैक्टोज जो है हमारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिल बना है माल्टोज जो है हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिल बना है और सुक्रोज जो है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिल बना है नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्राई सेक्राइट्स ट्राई सेक्राइट्स होता है हमारा दीज आर फॉर्म बाय थ्री शुगर यूनिट्स तीन शुगर यूनिट्स से मिलके बना है जब तीन शुगर यूनिट्स मिल के बनती हैं और इन दोनों इन तीनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं जैसे हमारे तीन के बॉन्ड जैसे हमारा एक ही है एक ही है एक ही है बट इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो हैं वो दो ही बनेंगे जैसे एक बॉन्ड ये रहा हमारा और एक बॉन्ड ये रहा हमारा तो बोंड्स तो हमारे एक और दो दो बोंड्स ही बने हैं तो इसी हिसाब से जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज़ होगा इसी तरीके से हमारा इसमें क्या होता है विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज मतलब इसमें क्या होता है हमारा लॉस ऑफ वाटर होता है टू मॉलिक्यूल्स जितने हमारे ग्लाइकोसिडिक बोंड्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर रिलीज़ होते जाएंगे इसका एग्ज़ाम्पल में हमारा आ जाता है माल्टो माल्टोट्राइज जो कि हमारे तीन ग्ला ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और फिर हमारा आ जाता है रेफिनोज जो कि हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना है नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका टैट्रासेक्राइड्स इसमें हमारा क्या होगा दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम फोर शुगर यूनिट्स विद लॉस ऑफ थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फ़ोर शुगर यूनिट से मिलकर बना है अब फोर शुगर यूनिट्स के लिए कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स चाहिए कमेंट में लिख के बताइए जैसा कि हमने ये बताया एक दो तीन चार ये हमने तीन शुगर यूनिट्स बना लिए ठीक है थीके? ये एक रफ डाइग्राम है ठीक है अब इसको जॉइन करने के लिए एक बॉन्ड हमारा यहाँ लगेगा एक बॉन्ड हमारा इसमें लगेगा और एक बॉन्ड हमारा इन दोनों के बीच में लगेगा अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमारे कितने लगे हैं एक दो और तीन हमारे तीन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स लगे हैं तो हमारे कितने मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा तीन तीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज़ होकर हमारा ये बॉन्ड हो जाएगा बॉन्ड बनेगा इन तीनों चारों के बीच में इसके एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है एकारबेस ग्लूकोज टेट्रासेक्राइड्स मतलब इसमें चार ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं इसी के साथ हमारा जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ओलीगोसेक्राइड्स नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये हमने बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ी ली है नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलीसैक्राइड नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉलीसेक्राइड और पॉलीसक्रोनस ये हमारी थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोन्स आर चेन ऑफ मोनोसेक्राइड्स जॉइन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये जो है हमारी पॉलीसेक्राइड जो है लंबी चेन होती है मोनोसेक्राइड्स की बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स इसमें जुड़कर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़कर हमारा जो है पोलीसैक्राइड की फॉर्मेशन करते हैं इसमें बहुत सारे मोनो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं और बहुत सारे हमारा मोनोसेक्राइड्स में यूनिट्स होते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से ज्वाइन होते हैं उसी को हम कहते हैं पोलीसक्राइड्स अब इसका देख लेते हैं दे हैव टू चीफ फंक्शंस इसके जो हैं दो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन बॉथ प्लांट एंड एनिमल स्टोर ग्लूकोज एंड सोर्स ऑफ फ्यूचर एनर्जी मतलब ये जो है हमारा पोलिसक्रेड जो है स्टोर करता है ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के सोर्स के तौर पे हमें ये ग्लूकोज स्टोर करता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्लाइकोन्स ग्लूकोन्स तो ये जो है हमारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे सेल को और ये जो है ग्लूकोज या सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है ताकि हम फ्यूचर में हम एनर्जी यूटिलाइज कर सकें नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स <coughs> पॉलीसेक्राइड्स के दो टाइप्स हैं पॉलीसेक्राइड्स और हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीसेक्राइड्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट शुगर यूनिट्स ये बहुत ही सिंपल है इसमें क्या होता है हमारा एक ही तरह के मतलब होमो मतलब क्या होता है एक ही तरह के एक जैसे सिमिलर होमो मतलब होता है एक ही तरह के पोलीसेक्राइड मतलब एक ही तरह के जैसे अगर ग्लूकोज का अगर पोलिसक्राइड है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है सिर्फ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल टाइप के जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ग्लूकोज ये हमारा ग्लूकोज ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज ई ग्लूकोज ग्लूकोज की ही लंबी चेन होगी उसे हम कहेंगे होमोपोलीसक्राइडस इसके एग्जाम्पल हम हमारा आ जाता है स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेल्युल नेक्स्ट हमारा आता है हाइट्रोसपोलीसक्राइड्स हाइट्रोपोलीसक्राइड्स का क्या है हमारा हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप इसका हम लिख सकते हैं डिसिमिलर अब डिसिमिलर से क्या मतलब है हमारा इट कंपोज ऑफ़ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमेरिक शुगर यूनिट्स मतलब दो या दो से अधिक शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग तरीके की उसे हम कहते हैं हेट्रोग्लाइकोन्स अब इसके एग्जाम्पल में क्या आता है हमारा हाईलो हायालू, हायालोरोनिक एसिड और <coughs> कॉन्ड्रॉइटिन फोर सल्फेट हैपेरिन डरमेटन सल्फेट और पेप्टिडोग्लाइकोन एक्सेट्रा ये सब जो है हमारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे इसी के साथ हमारी क्लासिफिकेशन हो चुकी है पूरी कंप्लीट नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देख लेते हैं द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी सबसे मेन फंक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का है वो क्या है हमारा ये एनर्जी सोर्स में यूज़ होता है और ये हमें एनर्जी देता है टू कैरी आउट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी सच ब्रीथिंग मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट एंड मसल्स एंड इट इज़ ऑनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है जो ब्रेन है हमारा वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करता है तो ये ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेगुलर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट प्रिवेंट द प्रोटीन बींग यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम डेली बेसिस पर अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी प्रोटीन को यूटिलाइज़ नहीं करेगी एनर्जी के लिए वो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हमारा कार्बोहाइड्रेट जो वो सबसे पहले हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज़ करेगी देन अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डिफिशेंसी होती है उस केस में हमारी बॉडी जो है प्रोटीन को यूटिलाइज़ करती है थर्ड पॉइंट हमारा कहता है इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन इन मेटाबॉलिज़्म ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म में कार्बन हमें यूटिलाइज़ करवाता है मतलब इस यूटिला हमारी बॉडी में अगर कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स वही बात हो गई मतलब कोई भी कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए अगर हमारे बॉडी में कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो वो इसे फुलफिल करता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से ही जो हमारे सेल कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एनेबल ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इट्स सेल्फ अगेंस्ड एंड इनवेडिंग माइक्रोब्स एंड रिमूव फॉरन कार्बो मैटर्स मतलब जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिफेंट मैकेजम भी शो करता है ह्यूमन बॉडी में मतलब एज अ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है सम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनुलिन इंक्रेज द ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया इन द इंटस्टैंड फॉर डाइजेशन ये जो कुछ तरीके के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसा हमारा इनुलिन ये जो है हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है जो कि हमारी हेल्थी बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है जो कि हमारे ह्यूमन के लिए अच्छा है नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट आल्सो यूज एज स्वीटनर इम्प्रूव फ्लेवर ऑफ फूड एंड मेटाबोलिज फॉर एनर्जी मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है ये तो हमारा मतलब एडिशनल यूज़ हो गया कि कार्बोहाइड्रेट एज स्वीटनर भी यूज़ होता है हमारी बॉडी में ठीक है हम टेस्ट के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं सम कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइट्री फाइबर्स लाइक सेल्यूलोर्स हेमी सेल्यूलोज पैक्टिन एंड गम्स म्यूसिलेज पास आउट अनडाइजेस्टिड थ्रू द इंटस्टाइन एंड मेक एलिमिनेशन वेस्ट ईजियर मतलब कुछ जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस को ईजी बनाते हैं क्योंकि उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इंटस्टाइन में बल्क जनरेट करते हैं मतलब एक हैवीनस जनरेट करते हैं जो कि हमारे एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होता है तो चलिए इसी के साथ हमने फंक्शंस कर लिए हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कम्प्लीट हो चुकी है और इसी के साथ हमारा जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है हमारा ये कम्प्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा ये कम्प्लीट हो चुका है कार्बोहाइड्रेट टॉपिक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है पर हमें एक टॉपिक कंप्लीट करना था नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लिपिड जिन भी फ्रेंड्स को इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स प्रेजेंट मिल जाएंगे वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में